नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। देश में कई तरह की समस्याएं हैं और कई तरह की जानकारी है जो आती है चली जाती है और आपको जानकारी भी नहीं होती। कुछ तो ऐसी जानकारियां हैं जो आप जानकर हंसते भी हैं और दुखी भी होते हैं। इसी तरह की एक जानकारी सरकार ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में दी। सवाल था, देश में पियक्कड़ों की संख्या कितनी है? और इसका जवाब देते हुए राज्यसभा में सामाजिक आधिकारिकता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि देश में 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं, जबकि करीब 6 करोड़ लोगों को इसकी लत है। और यही नहीं, करीब 3 करोड़ 10 लाख लोग भांग खाते हैं। सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार देश के प्रमुख 10 शहरों के स्कूल और कॉलेजों में छात्रों के बीच नशे की आदत पर भी एक सर्वेक्षण करा रही है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने आगे कहा कि ये सर्वेक्षण साल 2018 में देश में अपनी तरह का ये पहला सर्वेक्षण था, जिसकी जिम्मेदारी नेशनल ड्रग डिपेंडेंस सेंटर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को दी गई थी। और देश के सभी 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए इस सर्वेक्षण में 2,111 परिवारों से मिलकर बात की गई कि नशीले पदार्थों के सेवन की सीमा और पद्धति के बारे में जाना, और 4,73,569 लोगों से सवाल पूछे गए और 135 जिलों में 72,642 लोगों पर सर्वेक्षण किया गया। इसके अलावा रेस्पोंडेंट ड्रिवन सैंपलिंग सर्वेक्षण भी किया गया, जिसमें 135 जिलों में अवैध नशीली दवाओं पर निर्भर 72,642 लोगों को शामिल किया गया था। इन सर्वेक्षणों के जरिए ये बात सामने आई है कि भारत में 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं, 3 करोड़ 10 लाख लोग भांग खाते हैं, साथ ही 2 करोड़ 26 लाख लोग अफीम का सेवन करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि इस समय 10 से 75 साल के बीच के लगभग 1 करोड़ 18 लाख लोग सीडेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 77 लाख लोग, जिसमें 51 लाख वयस्क और 26 लाख बच्चे शामिल हैं, जो इनहेलिटेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक बात आपको बताते चलें कि नशीले पदार्थ में इनहेलिटेंस ही ऐसी श्रेणी है जो बच्चों और युवाओं में इस समय ज्यादा क्रेज में है, और वो जनसंख्या की दृष्टि से इसका उपयोग वयस्कों से अधिक करते हैं। गहलोत ने सरकार की ओर जानकारी देते हुए राज्यसभा को बताया कि देश के 10 शहरों श्रीनगर, चंडीगढ़, लखनऊ, रांची, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, इम्फाल, डिब्रूगढ़ और दिल्ली में राष्ट्रीय सर्वेक्षण के एक भाग के रूप में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के बीच नशीले पदार्थों के उपयोग के पैटर्न और प्रोफाइल का आकलन करने के उद्देश्य से एक सर्वेक्षण कर रही है। इस सर्वेक्षण के कुल नमूनों के आकार में स्कूल के 6,000 छात्रों और कॉलेज के 2,000 छात्रों को शामिल किया जा रहा है, और इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट नवंबर 2019 तक आने की उम्मीद है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि देश में पियक्कड़ों की संख्या कितनी है और कितने लोग शराब।